हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक विंटर सीरम शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं ये ओनली विंटर के लिए नहीं है, ये हर मौसम के लिए है और ऑल स्किन टाइप के बालों के लिए है, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा, चाहे ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे नॉर्मल हो, और ये हर मौसम में अपना रंग दिखाएगा। यानी कि इसका जो इफेक्ट है ना, बेस्ट है। एक बार आप इसको यूज़ करके देखेंगे ना गाइस, तो आप भूल नहीं पाएंगे आपकी त्वचा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसी थ्रू मेरे नए नए वीडियोज़ देख पाएंगे। सो इस रेमेडी को बनाने के लिए, हमारी एंटी एजिंग सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए बे लीव्स, यानी कि तेजपत्ता। तेजपत्ता तो हम सब जानते ही हैं और हम खाने में यूज़ भी करते हैं, बिरयानी वगैरह या फिर खीर वगैरह बनाने में हम तेजपत्ता खाते ज़रूर हैं। पर गाइस, कोई नहीं जानता इसको डायरेक्टली स्किन में लगाने का असर, इसका जो इफ़ेक्ट है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसका इफ़ेक्ट आप कैसे बहुत ही जल्दी और बेस्ट तरीके से पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 4 तेजपत्ते को ऐसे सस्पेन में डाल देना है। आप देख ही सकते हैं मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 कप के बराबर वाटर ऐड कर लेना है। आप देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर रही हूँ। आपको यहाँ पे नॉर्मल वाटर ऐड करना है। और तेज पत्ते की जो फायदे हैं ना, मस्त है गाइस। एक बार आप यूज़ करके देखेंगे ना, ये मतलब एंटी एजिंग भी है और आपकी स्किन को टाइट भी करता है और आपकी झुर्रियों को भी ठीक करता है, जिनको आप कहते हैं रिंकल्स वगैरह, वो सब भी आने नहीं देता। तो आप देख ही सकते हैं इसको क्या करना है ना, लेके बॉयल करना है। यानी कि आपको इसको लेके अपने स्टोव पे या फिर गैस पे मीडियम फ्लेम में डाल देना है। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कैसे डाल ली हूँ। तो आपको इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये पक के इसकी जो पत्ते हैं, ये बे लीफ तेज पत्ता, इसके कलर में थोड़ा सा चेंजेस ना आ जाए। तो बॉयल हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पत्ते की कलर कैसे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मतलब उड़ का कलर जैसे होता है, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कैसे हुआ है। इतना बॉयल हो जाने के बाद ही इस पत्ते का जो गुडनेस है वो उस पानी में चला जाएगा और उस पानी को हम यूज़ करेंगे हमारी स्किन के लिए। फ्रेंड्स, ये सिर्फ स्किन में फ़ायदेमंद नहीं है, ये बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी छन्नी की मदद से छानना चाहें तो छान सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इस पत्ते को निकाल सकते हैं पानी से बाहर। तो मैं यहाँ पर साइड पे इस पत्ते को निकाल के रख रही हूँ और इस पानी को एक बाउल में मैं डालूँगी, ताकि आगे की जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं वो करने में हमें आसानी हो। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं ये जो पानी है ना, ये सीरम, ये मतलब एंटी एजिंग भी होगा और आपके रिंकल को भी रिमूव करेगा, यानी कि आपकी त्वचा को जवान बनाए रखेगा और आपकी झुर्रियों को ना जड़ से ख़त्म कर देगा, गायब कर देगा। फ्रेंड्स, ये जो तेज पत्ता का पानी है, बे लीफ का पानी है, जिसको हमने उबाला हुआ है अभी, ये इतना गुणकार है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब इसको खुद यूज़ करेंगे ना, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे, खुद आप देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है। तो नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे ऑलिव ऑयल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल डाल देना है। ऑलिव ऑयल क्या होता है ना, बहुत ही लाइट वेट होता है। जब आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑयल वॉयल लगाया हुआ है। सीरम क्या होता है ना, कभी कभार थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, बट ये जो है ना, ये बिल्कुल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया भी है, और ये अंदर ही अंदर आपकी स्किन में पेनिट्रेट होकर इतना अच्छे से काम करेगा ना गाइस, मतलब आप खुद ही अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी, एक रेमेडी है बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपकी फेस पे, आपकी बॉडी पे कहीं भी अगर रिंकल है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो रिजल्ट देख के आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो पानी है ना, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्प्रे बोतल में डाल देंगे ताकि इसे लगाने में आसानी हो। जैसे हम रोज़ वाटर वगैरह स्प्रे करके अपने फेस में लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम स्प्रे बोतल में इसको डाल देंगे ताकि हम उसी तरीके से लगा पाएँ। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्प्रे बोतल पे। और इसका जो सेल्फ लाइफ है, इसको आप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 8 से 10 दिन तक आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख के यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल ना रखें, ख़राब भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में डाल देना है ताकि ये 8 से 10 दिन तक अच्छे से रहे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सीरम है ये बिल्कुल रेडी है। आपको इसको लगाना कैसे है, लगाने का तरीका,
तो आपको क्या करना है ना, रात के टाइम जब आप बिफोर गोइंग टू बेड, जब आप रात को अपना मेकअप रिमूव करते हैं, अपना नाइट क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, तब आपको क्या करना है ना, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है किसी भी फेस वॉश से, और इस वाटर को स्प्रे करना है अपने फेस पे। और स्प्रे करने के बाद इसको क्या करना है, थोड़ा सा मसाज कर देना है, ताकि ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ये पानी बिल्कुल अंदर चला जाए, आपकी स्किन पोर में चला जाए, अंदर पेनिट्रेट हो जाए, और हम जो चाहते हैं इससे जो हम बेनिफिट लेना चाहते हैं वो हमें मिल पाए। तो फ्रेंड्स क्या करना है ना, आपको देख ही रहे मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, धीरे धीरे करके करना है, ये आपकी स्किन है, कोई मतलब कपड़ा वपड़ा नहीं है जो रगड़ डालेंगे बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके ऐसे स्किन को मसाज करते रहना है, 1 से 2 मिनट में ये अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप अपनी कोई नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, एलोवेरा जेल लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, 100% गारंटेड है ये, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ऑयली स्किन वालों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि इसको रोज़ रोज़ स्प्रे करने से क्या होता है ना, स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, आपकी पोर जो एक्स्ट्रा ऑयल सीक्रेट करता है ना, उसको ये ठीक करता है, आपकी पोर जो बहुत बड़ा बड़ा हो गया होता है उसको सिंक करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से इसको यूज़ करना है, और रेगुलरली 15 से 20 दिन आप यूज़ करके देखिए, खुद ही हैरान हो जाएंगे इसकी जो फ़ायदे हैं, आपको ना बिल्कुल बेदाग चमकदार त्वचा मिलेगी, और जो एज से पहले बुढ़ापा आ जाता है ना, उन सब के लिए तो ये मतलब बेस्ट है, बेस्ट कारगर उपाय है ये। तो आई होप गाइज वीडियो आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।